सारे दुखां दी पवाड़ियां दी जड़ वार वार जन्म लैण दा कारण ही होमै होमै नावै नाल विरोध है नाम ते होमै दा विरोध है आपस विच परस्पर होमै नावै नाल विरोध है दोए ना वसै इक ठाए इस रूहानियत दे मार्ग दे विच सब नालों वड्डा राह दा रोड़ा है तां उह होमै है सेवा होमै नूं मारदी है बाणी होमै दा विनाश करदी है परमेश्वर का नाम होमै का विनाश करेगा जिन्ना चर होमै है उन्ना चर नाम हिरदे विच वासा नहीं करना होमै नावै नाल विरोध है दोए ना वसै इक ठाए दो चीजा इकट्ठिया रह नहीं सकदियां होमै अते परमात्मा का नाम जिथे होमै है उत्थे परमेश्वर का नाम नहीं है होमै विच सेवा ना होवई तां मन व्यर्था जाए होमै विच सेवा भी नहीं इंसान कर सकता क्योंकि सेवा वह करेगा जे मन विच निम्रता आएगी निम्रता तां आएगी जे सेवा करेगा इस करके होमै विच भरिया होया इंसान जड़ा है वह सेवा नहीं कर सकता है होमै विच सेवा न होवी तां मन व्यर्था सब कुछ व्यर्था चलिया जाता है हर चेत मन मेरे हर चेत मेरे मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हे मेरे मन तू हरि नु दा चिंतन कर हरि नु चेत गुरु दी शब्द दी कमाई कर हुक्म मन ता हर मिले जे हुक्म मने गुरु दा हुक्म मने कुछ भी है हुक्म मनना शुरू कर दे मन मन्ने ना मन्ने बस गुरु का हुक्म मनना शुरू कर दो आपे ही फिर जड़ा है मन दी नहीं मन्नी गुरु दी मन्नी हुक्म मन्ने तो हार मिला जड़ा गुरु का हुक्म मन्नेगा उसनु हरी मिलेगा हुक्म मन्या होवे प्रवान तो खासम का महल पाए हुक्म मन्ने तो हार मिले तो बिचो होमे जाए फिर जड़े होमे बिचो चली जाएगी होमे का विनाश होगा जो गुरु के शब्द की कमाई कर गुरु का हुक्म मनेगा हुक्म मनता जाएगा अपनी मर्जी नहीं करनी गुरु का हुक्म मनना भावे औखे भावे सौखे भावे अजे आनंद नहीं आता स्वाद नहीं आता पर हुक्म मनना है ये धारण कर लवे सतगुरु जी कहते हुक्म मनना है तो हर मिले तो बिचो होमै जाए फिर होमै भी चली जाएगी एक दिन होमै मर जाएगी होमै सब शरीर है होमै ओ पत होए होमै करके तो शरीर है होमै करके तो यह सारी उत्पत्ति है होमै वड्डा गुबार है होमै विच बुझ ना सके कोए ये वड्डा जड़ा हनेर गुबार है ना भरम दा पहाड़ खड़ा हो गया है ये होमै ही है भाई होमै करके होमै वड्डा गुबार है होमै विच बुझ ना सके कोए होमै दे विच परमात्मा नूं परमेश्वर नूं बुझ नहीं सकता जान नहीं सकता है होमै विच भगत ना होवई हुक्म ना बुझिया जाए होमै ग्रस्त होया इंसान भगती भी नहीं करता है भगती भी नहीं कर सकता है क्योंकि होमै ही बहुत है मैं सेवा क्यों करा मैं क्यों भगती करा होमै विच भगत ना होवई हुक्म ना बुझिया जाए ना हुक्म दी सोझी पैंदी परमात्मा दे हुक्म दी सोझी ही नहीं पैंदी है होमै विच भगत न होवई हुक्म न बुझिया जाए होमै विच जियो बंद है नाम न वसै मन आए होमै करके जी नु बंधन पए जिहड़ा फसिया होया इंसान होमै करके फसे मैं मेरी दाही इक जाल है इस करके नाम जिहड़ा है मन विच वसदा नहीं विनाश भी होमै दा नाम नहीं करना है वाहिगुरु गुरु मंत्र जप होमै खोई नानक सतगुर मिले होमै गई ता सच वसिया मन आए जदों सतगुरु मिलते ने कहते भाग जगते ने सतगुरु की कृपा होंदी है फिर भाई होमै का विनाश हो जाता है होमै चली जाती है मैं मेरी का विनाश हो जाता है बंदा मैं करदा करदा फिर बदल के तू तू करन लग जाता है पहले तो मैं करता फिर नहीं प्रभु तू ही है
नानक सतगुर मिलया हो मैं गई तां सच वसिया मन आए। सत स्वरूप परमेश्वर, सत स्वरूप परमेश्वर दा नाम मन विच वस गया। सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए। सच्ची कार्य करता है, भगती करता है, सच्ची कमाउंदा है, सच विच रहिंदा है, सच विच ही फिर ओ जीव समा जांदा। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिथे नाम घर कर गया फिर उत्थे होमें दा, होमें दे लई कोई थां नहीं है। इस करके रूहानियत दे मार्ग दे विच सारे दुखां दा कारण, जन्म मरण दा दुख दा कारण इह होमें है। इस करके परमेश्वर दा नाम जिस मन दे विच हंकार है, भावें सूक्ष्म होवे, थोड़ा जा होवे, मैं हंकार होमें है, उत्थे परमेश्वर उस हिरदे दे विच वस नहीं सकदा। परमेश्वर दा नाम जिथे होमें दा टिकाणा उथे नाम नहीं। जिथे होमें दा टिकाणा उथे नाम नहीं। जिथे होमें दा टिकाणा उथे नाम नहीं। जिथे होमें दा टिकाणा उथे नाम।